Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सनातन धर्म में नागों को पूजनीय माना जाता है। वासुकी नाग जहाँ भगवान शिव के गले का आभूषण है, तो शेष नाग पर भगवान विष्णु शयन करते हैं। जिस तरह सभी देवी देवताओं के पूजन के लिए तमाम विशेष दिन बनाए गए हैं, उसी तरह नागों की पूजा के लिए भी नाग पंचमी का दिन है। नाग पंचमी हर साल सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से इस बार आज नाग पंचमी 13 अगस्त शुक्रवार के दिन मनाई जा रही है। नाग पंचमी के इस मौके पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं नाग देवता के एक ऐसे मंदिर के बारे में जिसके पट पूरे साल में सिर्फ नाग पंचमी के दिन 24 घंटे के लिए खुलते हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित नाग चंद्रेश्वर मंदिर की। कहा जाता है कि इस मंदिर में स्वयं नागराज तक्षक निवास करते हैं। हालांकि कोरोना की वजह से इस साल श्रद्धालु भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन नहीं कर पाएंगे। इस साल भक्तों को ऑनलाइन लाइव दर्शन की व्यवस्था की गई है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर की देश भर में मान्यता है। ये मंदिर 3 खंडों में विभाजित है। सबसे नीचे भगवान महाकालेश्वर, दूसरे खंड में ओमकारेश्वर और तीसरे खंड में भगवान नाग चंद्रेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर में 11वीं शताब्दी की एक अद्भुत प्रतिमा है। इसमें फन फैलाए नाग के आसन पर शिव पार्वती जी बैठे हैं। कहा जाता है कि इस प्रतिमा को नेपाल से लाया गया था। आम तौर पर विष्णु भगवान को नाग सैया पर विराजमान दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ नाग की प्रतिमा पर भोलेनाथ, गणेश जी और माता पार्वती के साथ 10 मुखी सर्प सैया पर विराजमान है और शिव जी के गले और भुजाओं के भुजंग में लिपटे हुए हैं। कहा जाता है नाग चंद्रेश्वर मंदिर जैसी प्रतिमा पूरी दुनिया में किसी अन्य मंदिर में नहीं है। कहा जाता है कि एक बार सर्वराज तक्षक ने शिव शंकर की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। इसके बाद महादेव ने तक्षक राज को अमर होने का वरदान दे दिया। शिव जी से ये वरदान पाने के बाद तक्षक ने प्रभु के सानिध्य में ही वास करना शुरू कर दिया। उन्होंने महाकाल का स्थान इसलिए चुना ताकि वे एकांत में रह सकें और उस स्थान पर कोई विघ्न ना हो। मान्यता है कि सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही सर्वराज के दर्शन मिलते हैं। शेष समय उनके सम्मान के लिए मंदिर को बंद रखा जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी व्यक्ति नाग पंचमी के दिन दर्शन करने के लिए आता है, वो किसी भी तरह के सर्प दोष से मुक्त हो जाता है। इसीलिए हर साल नाग पंचमी के दिन यहाँ भक्तों की भारी भीड़ जुटती है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.